नवरात्र के नौवें दिन घरों और मंदिरों में ही मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके कन्या पूजन भी किया जा रहा है। लेकिन इस मौके पर राजधानी के कोतवाली थाना पुलिस ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पूनिया ने थाने में न केवल कन्या पूजन किया बल्कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कूल ड्रेस, शूज, बैग और नोटबुक व अन्य पाठ्य सामग्री भी भेंट करके सामाजिक सरोकार निभाया है। थानाधिकारी अरुण पूनिया ने माने तो इस पहल के बाद में देश में होने वाले कन्या भ्रूण हत्या और कोख में होने वाले कत्ल जैसी घटनाओं को देखते हुए आम जनता में जागरूकता पैदा होगी। ये कोतवाली थानाधिकारी अरुण पूनिया जी और उसके थाने की ये पहल है। एसीपी कोतवाली का इनको पूरा सहयोग है। ये वाकई में सराहनीय पहल है। जैसा आप इसकी सराहना कर रहे हैं वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी आज इनके द्वारा आमंत्रित के रूप में आया हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि जो पहल है उसकी सार्थकता कितनी है, आवश्यकता कितनी है, वो चीज़ इसमें अपने को ढूंढने की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है जिसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन एक लोगों में जागृति के लिए ये काफ़ी बड़ी संख्या या काफ़ी बड़ी पहल कही जा सकती है। तो मैं इनको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। ये सर, ये जो समाज में एक मैसेज चल रहा है कि भाई बच्चे कन्या है, इनकी भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चियों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इस पहल के तहत थाना कोतवाली की तरफ से मैंने बच्चियों के संरक्षण के लिए एक मुहिम चालू की है, एक पहल। इस पहल के तहत मैंने मेरे थाना कोतवाली स्टाफ से पहले विचार विमर्श किया, उनसे सबसे सहमति ली, मेरे एसीपी साहब कोतवाली इनसे सहमति ली, डीसीपी साहब को निवेदन किया गया। इस पहल के तहत बच्चों के साथ छोटी जो बच्चियाँ थीं उनके साथ शेयर करने का प्रयास किया। मेरी तरफ से इतना मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके लिए मैं बिल्कुल सामर्थ्य मैं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी पहल की जिसके तहत हमने उनको एजुकेशन से संबंधित नोटबुक्स हैं, बैग हैं, उनकी ड्रेस हैं, उनके शूज़ हैं, उनके ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये उनको आज